कर रहे हैं IFCI की, लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट, बड़ी सेलिंग हमको देखने के लिए मिली, बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। 8% के ऊपर की गिरावट के साथ IFCI ने हमको क्लोजिंग दिखाई है। बाउंस बैक किया था तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 6870 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का जम दिखा सकता है। टारगेट के तौर पर इन लेवल को डिस्कस किया था जो कि हिट करता है स्टॉक हमको नज़र आया। 6870 तक के टारगेट दिखाए हमने, ये भी डिस्कस किया था कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है 70 के लेवल को और इसके ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग देता है तो अपसाइड में अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन एग्जैक्ट उसी लेवल से हमको स्टॉक पर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। नीचे की ओर अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 60 का लेवल, काफ़ी तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 60 का लेवल। आप IFCI को इम्पॉर्टेंट रहेगा 160 के ऊपर ही सस्टेन होना। अगर 60 के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन होता है IFCI तो फिर यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन अगर 60 का लेवल ब्रेक डाउन कर गया तो अगेन 48 से 50 तक की गिरावट दिखा सकता है। तो आप अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो इमीडिएट टारगेट 65 और इसके ब्रेकआउट के बाद 6870 तक का जंप, जहाँ से रिजेक्शन लिया वहाँ तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अगर 70 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया IFCI, इसके आसपास से बड़ी सेलिंग नहीं आती और स्टॉक 70 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो आप साइड में बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, फिर 80 तक का भी जंप दिखाते नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।